हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 11th क्लास की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2, जिसके इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 2 की कुछ जनरल डेफिनेशंस देखी थी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम उसी से को आगे कंटिन्यू करते हुए फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। यूनिट होता है द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी यूनिट्स जो है वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जो कि फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करना या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपको जैसे बोल दिया जाए कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि जैसे वाटर की जो वेट है आपको सिर्फ 8 लिख दिया जाए, और आपको एक वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी ये वेट है इसका यानी मास है इसका एंड ये इसका वॉल्यूम है, जब दोनों को का साथ बिना यूनिट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखेंगे सिर्फ, तो इसमें क्या होगा आइडेंटिफाई करने में, जैसे ये तो सिंबल लिखे हुए इससे हम पहचान लेते हैं, लेकिन जनरली हमको ऐसे दे रखा हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 9 क्या है, मास है, वॉल्यूम है, लेंथ है, क्या है इसमें। तो इसको देख के इजीली आइडेंटिफाई अपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं इनके साथ हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट। जैसे ये मास है तो हम इसको केजी लिखेंगे। तो अब आप इजीली देख के इसको कह सकते हो कि 8 केजी लिखा हुआ, इट मीन्स एक किसी न किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है, मास ही होगा। फिर आपको बोल दीजिए वाटर का मास है या किसी अदर चीज़ का मास है, तो वो चीज़ अलग है। इसको हम जनरली हम इस नंबर को अपन देख के कह सकते हैं कि ये मास है। इसके साथ आपको लिख दिया जाए कि मीटर क्यूब, इट मीन्स दिस इज वॉल्यूम, कि किसी भी चीज़ की वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है और ये सब जगह एक जैसा होता है, ये प्लेस के साथ डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर चेंज हो जाएगा तो फिर से कंफ्यूजन होगा कि इसका मतलब क्या है, एक जगह कुछ और बोल रहे हैं कि और दूसरी जगह कुछ और बोला जा रहा है, कुछ और स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं इस, तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही, यानी क्लियरली पता चले कि कोई चीज़ लिखी हुई वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम यूनिट्स कहते हैं, ओके। इनको लिखने का तरीका है क्यू इज इक्वल टू एन यू, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। जैसे मास निकालना है एग्जांपल के लिए, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर क्यू जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है एंड एन जो लिखा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड यू इसकी यूनिट है। इस एग्जांपल में अपन देखते हैं ये क्यू की जगह है जो एक फिजिकल क्वांटिटी है मास। हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और मास को हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है मास फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो 8 है ये एन की जगह है न्यूमेरिकल वैल्यू मास की एंड केजी यूनिट है यू की जगह। ये इसको लिखने का एक तरीका होता है, हम इस तरह से इसको लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया कि अगर टाइम के साथ चेंज हो गई या प्लेस के साथ चेंज हो रही है तो फिर उसको फिर से कंफ्यूजन होगा कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब कि ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ और मीनिंग निकल रहा है और किसी अदर पर्सन के लिए इसका मीनिंग कुछ और निकले। यहाँ के जी लिखा हुआ है मतलब के जी एक वेल डिफाइंड यूनिट है, मतलब सबके लिए, मतलब इसका एक जैसा है, ठीक है। सेकंड है इसका इट शुड हैव सूटेबल साइज, मतलब कि यूनिट की साइज़ भी सूटेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि के जी के बाद और बहुत कुछ लिखा जा रहा है, यानी यूनिट में काफ़ी लंबी यूनिट हो गई तो उसको भी रीड करना आसान नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे न्यूटन में है तो बहुत सारा, जैसे के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है न्यूटन में, तो इसको सिंपल टर्म में न्यूटन बोल दिया जाता है एन, मतलब कि ये इसकी साइज रिड्यूस कर दी हमने न्यूटन लिख के एन लिख के, तो मतलब यूनिट की साइज़ भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, सूटेबल साइज़ का होना चाहिए। एंड थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक है इट शुड नॉट बी वेरिएंट विद टाइम एंड प्लेस, जैसे पहले बात करी मैंने कि टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, कि समय के साथ इसकी वैल्यू कुछ और आ गई या इसका मीनिंग चेंज हो गया, प्लेस के साथ इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है और वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। फोर्थ इसकी करेक्टरिस्टिक है इट शुड नॉट वेरी विद वेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज होती रहती है तो उनके साथ यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, तो उनके साथ यूनिट चेंज नहीं होगी, यूनिट हमेशा एक जैसे ही रहेगी सबके लिए और सब जगह, ओके। तो ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक यूनिट्स की। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि अलग अलग कंट्रीज वाइज इसका कुछ अलग अलग सिस्टम्स यूज़ करते हैं,
तो उन सिस्टम्स को हम देख लेते हैं, जैसे क्या कौन कौन सा सिस्टम है। फर्स्ट है CGS सिस्टम। CGS ये एक फ्रेंच सिस्टम है जिसको इंडिया में भी यूज़ किया जाता है। इसका इसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जो कि लेंथ हम मेजर करते हैं, इसको सेंटीमीटर लिखते हैं हम, सेंटीमीटर। ये लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे G4 ग्राम होता है जिसको मास के लिए यूज़ करते हैं, मास को ग्राम में फाइंड आउट करते हैं। एंड S सेकंड्स, टाइम। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर बना है CGS। ये फ्रेंच सिस्टम है और इंडिया में भी अपन यूज़ करते हैं इसको। CGS का मतलब मैंने बता दिया, C सेंटीमीटर, G ग्राम एंड S सेकंड। इन तीन क्वांटिटीज़ को इसमें मेजर करते हैं CGS सिस्टम में। एंड नेक्स्ट सेकंड है इस MK सिस्टम। ये भी फ्रेंच सिस्टम है और इसको भी हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं। इसमें भी M का मतलब है, M का मतलब होता है मास फाइंड आउट करते हैं। M को मतलब इसको फाइंड आउट करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर नहीं, ओके मीटर। एंड K का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, KG। एंड S का मतलब फिर से सेकंड। ठीक है, ये लेंथ है एंड ये मास है एंड ये जो है सेकंड्स वो टाइम। ठीक है, इन तीनों को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं MKS सिस्टम में। एंड थर्ड सिस्टम है FPS। FPS एक ब्रिटिश सिस्टम है जिसमें F का मतलब होता है फुट। F को लिखते हैं फुट से, जो कि लेंथ को मेजर करते हैं, फुट या फीट लेंथ को मेजर करने में काम आता है। एंड P का मतलब होता है पाउंड। पाउंड मास की यूनिट है। एंड S फिर से सेकंड, ये टाइम की यूनिट हो जाएगी। ये जनरली ब्रिटिश सिस्टम में हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, फुट, एक फुट का मतलब लगभग कुछ 3 मीटर के आसपास, सॉरी 1 मीटर जो होता है वो 3 फुट के आसपास होता है। ठीक है, 3 या 3.5 फुट के आसपास। पाउंड जो होता है वो पाउंड 1 kg में 2 पाउंड के आसपास, 2.2 समथिंग कुछ पाउंड्स के आसपास होता है। ठीक है, और सेकंड तीनों जगह, तीनों सिस्टम में एक ही जैसा यूज करता है हर जगह सेकंड टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ सिस्टम है SI सिस्टम। ये किसी कंट्री वाइज या जगह वाइज अलग अलग यूज़ नहीं करते, ये इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम है इस है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा है यूनिट्स। यूनिट्स हमने अच्छे से देख लिया, यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट एंड कुछ चार सिस्टम के बारे में पढ़ा है। सिस्टम ऑफ यूनिट ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रह गया है SI सिस्टम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।